आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देखते हैं कि कैसे लोगों की सुविधाओं के लिए बस क्यू शेल्टर बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ सर्विस रोड पर भी लोगों की सुविधाओं के लिए बस क्यू शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर बस क्यू शेल्टर बन चुके हैं तो वहीं कुछ जगहों पर अभी भी बस क्यू शेल्टर बनाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि बस क्यू शेल्टर बनाने के बाद उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। पोस्ट पे हो यहाँ? सर मेरी लेबर लग रही है, मैं लेबर के सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर हो। हाँ जी। एक बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं, इससे कितना फायदा होगा? जाजरू, साउपरा और मलेन्ना के कोने पर बनाए गए। फायदा तब होगा जब यहाँ से बस चलेंगी। अब तो लोग इसमें सीट की वजह से खड़े हो जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं इसमें अंदर कोई यूज हो रहा है, नहीं कोई आगे खड़ा होता, नहीं कोई बस स्टॉप हो रही, खाली वैसा रोड चल रहा है, इसमें लेबर नहीं रुकती। यहाँ पर आने जाने वाले लोग, जब हाईवे पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तब फायदा होगा। नहीं उससे फायदा क्या इसका? सर्विस रोड पर जो है बस क्यू शेल्टर बनाए गए हैं। हाँ जी। इनसे कितना फायदा होगा और समस्याओं की बात की जाए तो कितनी और परेशानियां हैं? भैया समस्या की सुन लो, यहाँ पे 10 दिन से रोज 2-4 एक्सीडेंट डेली होते हैं। कल भी एक औरत के 2 पैर टूट गए हैं, उसको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया है। परसों भी 2 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। रोज 2-4 हादसे रोज हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है, स्पीड से चल रहे हैं, ना कोई यहाँ सुविधा है।